बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्लेम एंड फ्राई। आज मैं आपको कलरफुल ज़ैदा बनाना सिखाऊंगी। और ये स्वीट डिश है, ये बहुत मज़े की सिंपल और इजी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये बहुत पसंद आएगी। और ये मैंने बहुत जल्दी बना लिया था, और इसको बनाने के लिए हम चावल को पहले भी बॉयल करके रख सकते हैं, और जो ड्राई फ्रूट हैं और उनको भी आप पहले से ही काट के और जो है ना मिक्स करने के बाद आप उसको रख लें, तो फिर ये बहुत कम टाइम में जो है ना ये बन जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है वो मैंने एक पतीला लिया था, और इसमें जो है ना मैंने तकरीबन एक कप जो है वो पानी डाला था। और यहाँ पर ये ना मैं चाशनी के लिए जो है वो ले रही हूँ, तो ठीक है। और दो कप जो है ना वो मैंने शुगर इसके अंदर ऐड की थी, क्योंकि जो चावल है ना वो भी मैं दो कप बना रही हूँ, तो दो कप चावलों के लिए दो कप शुगर मैंने ली थी। बराबर की चीनी डलती है, वैसे अगर कोई कम खाना चाहे तो वो 1.5 कप भी डाल सकता है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 दाने जो है ना वो इलायची के डाल दिए थे, और नीचे फ्लेम जो है फुल कर दिया था। और अब ये देखें कि ये अच्छी तरह से जो शुगर है इसके अंदर मेल्ट हो गई है, और मैंने भी जो है ना इसके अंदर जो राइस डालने थे वो मैंने एक दिन पहले ही बॉयल करके रखे हुए थे। उस दिन मैंने बिरयानी बनाई थी, और उसमें से थोड़े से जो राइस थे वो मैंने बचा के रख लिए थे। और अब मैं इसके अंदर ना देसी घी डाला है, आप वेजिटेबल ऑयल भी डाल सकते हैं। तो अब ये देखें, ये जो बचे हुए चावल थे उसी का मैंने ये बनाया था, और ये तकरीबन 2 कप के करीब जो है वो राइस थे, और मैं इसके अंदर जो है वो डाल दूँगी। तो अभी जो है ना इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर जो शुगर है ना वो और देसी घी जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो देसी घी मैंने तकरीबन लिया था 4 to 5 tablespoons, आप ले लें, तो आप वेजिटेबल घी और ऑयल भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर डिफरेंट फूड कलर है, जैसे इसके अंदर रेड कलर है तो वो आप ऐड कर लें, इस तरह से ऑरेंज है, और इस तरह से जो है वो येलो फूड कलर, इसके अंदर ग्रीन जो है वो डाल लें, और ब्लू कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत मज़े के जो है ना वो जिसको कहते हैं ना सतरंगी चावल, ये वो वाले चावल बन जाते हैं। ये देखें, ये ब्लू कलर भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया ना। तो अब ये जो है ना हम इसको दम पे लगा देंगे, और फ्लेम ना थोड़ा सा हमने मतलब जो है ना वो लो कर देना है। तो अब इसको तकरीबन 20 मिनट जो है ना वो आप दम पे रखें, और 20 मिनट तक जो है ना वो ये बहुत अच्छे रेडी हो जाएंगे। आप तवा रख के भी नीचे जो है ना वो तवा रख के भी दम पे लगा सकते हैं इसको, और अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी ना। तो ये देखें कितने मज़े के ये कलरफुल से जो है राइस है ना वो रेडी हुए हैं हमारे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आप इसके अंदर जो है ना वो कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, आप बादाम डाल सकते हैं, खजूरें, और उसके अलावा अखरोट और काजू, पिस्ता, ये सब चीज़ें आप डाल सकते हैं। और अगर आप रोस्ट मतलब उसको रोस्ट करना चाहें तो आप हल्का सा उसको वेजिटेबल ऑयल या घी या देसी घी डाल के उसको रोस्ट करके फिर आप, ये देखिए मैंने ऊपर से स्प्रिंकल कर दिए हैं, और आप जो है ना वो रसगुल्ले जो होते हैं जिसको चमचम भी बोलते हैं ना, तो वो हलवाई की दुकान से, मिठाई की दुकान से लेके बेकरी से, तो वो भी आप इसके ऊपर जो है वो डाल सकते हैं, तो बहुत अच्छी सी कलरफुल सी लुक आ जाएगी। लेकिन मैंने नहीं डाले थे, मैंने जस्ट सिंपल जो है ना वो ड्राई फ्रूट डाला था, और ये बहुत मज़े की देखें ये डिश जो है ना वो रेडी हो गई थी, और बहुत जल्दी बन जाती है, ठीक है। चावल अगर पहले से बॉयल करके रखे हों तो फिर तो इसको बनाना कोई मसला नहीं है, तो आराम से जो है ना ये बन जाती है। तो आप इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल फ्लेम एंड फ्राई को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।